सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश हिंदी की आपकी हिंदी की शिक्षिका। आज मैं कक्षा 2 पाठ 4 चक्की के पीछे के विषय में आपको बताऊंगी। बच्चों, पाठ 4 जो चक्की के पीछे है वो एक नाटकीय कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत इसमें एक कौवा, मुर्गी, बिल्ली और घोड़े की कहानी है। एक घर में जो है मुर्गी और कौवा रहता था। उन्होंने बहुत सारी मेहनत से इकट्ठे दाने किए हुए थे। एक दिन कौवे ने मुर्गी से कहा कि आज हम खिचड़ी बनाएंगे, मैं दाने लेके आता हूँ, तब तक तुम घर पे दानों का ख्याल रखना। उसी वक्त घोड़ा आया और घोड़े ने कहा कि मुर्गी, मुझे भूख लगी है, दाना दे दो। मुर्गी ने मना किया, नहीं, हम क्या खाएंगे बाद में, मैं आपको दाने नहीं दे सकती। घोड़े ने फिर प्यार से बोला कि मुर्गी, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे कृपा करके दाने दे दो। मुर्गी को जो है घोड़े पर दया आ गई और उसने सारे दाने जो है घोड़े को खिला दिए। अब मुर्गी घबरा गई कि अब जब कौवा वापस आएगा खिचड़ी बनाने के लिए, हमारे पास तो दाने ही नहीं बचे हैं, तो हम खिचड़ी कैसे बनाएंगे। मुर्गी जो थी वो चक्की के पीछे जाके छिप गई। अब उसी बीच जब कौवा घर आया और उसने देखा, मुर्गी मुर्गी चिल्लाया, मुर्गी मुर्गी कहाँ हो तुम, तो मुर्गी तो नहीं बोली, क्यों, मुर्गी तो डर के छिप के बैठी हुई थी। फिर पास में से एक बिल्ली आई और उसने कहा कि कौवे भाई, मुझे ना आपकी चक्की चाहिए गेहूँ दाना पीसने के लिए। उसने कहा कि तुम ऐसा करो बिल्ली, तुम दाना यहीं पीस लो, क्योंकि मुर्गी तो घर पे है नहीं, तो तुम दाना यहीं पीस लो। उसने कहा ठीक है भाई, मैं लेके आती हूँ। जैसे ही वो दाना लेके आई, उसने पीसना शुरू किया। जैसे ही दाना चक्की में डाल के पीसना शुरू किया और आटा उससे चक्की से निकल ही नहीं रहा था, दाना गायब हो रहा था। बिल्ली बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है, दाने तो डाल रही हूँ, आटा क्यों नहीं निकल रहा। उसी साथ उसने क्या किया, क्योंकि चक्की के पीछे कौन था बच्चों, मुर्गी छिपके बैठी हुई थी। वो जैसे ही वो दाने डाल रही थी और मुर्गी उसमें गप करके अपने मुँह में खा रही थी। अब इतने दाने भर लिए कि मुर्गी का जो था मुँह दानों से फूल गया, ऐसे हो गया, जैसे आप लोग भी कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हो तो मुंह फूल जाता है। उसी बीच कौवे को बिल्ली ने बताया कि ऐसे दाना तो डाल रही हूँ लेकिन आटा नहीं निकल रहा। कौवा भी हैरान हुआ, उसने देखा कि चलो चक्की के पीछे देखते हैं। चक्की के पीछे देखा तो मुर्गी छिप के बैठी हुई थी और उसके दानों से उसका मुँह ऐसे फूला हुआ था। दोनों की हंसी छूटी, बिल्ली और कौवे की, और साथ में मुर्गी की भी हंसी छूट गई। और हंसी छूटते ही बच्चों क्या हुआ, जो उसने मुंह में दाने दबा रखे थे, बहुत सारे दाने इकट्ठे किए हुए थे, वो क्या था, मुंह से दाने निकल के बाहर गिर गए। इसी के साथ बच्चों ये कहानी समाप्त हुई है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।